नमस्कार। जब एक घोष ठंड पर आपके साथ एक डॉक्टर जाए, एक पत्रकार जाए और स्केप्टिक जो हम खुद थे, तो एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। और ऐसे डेडली कॉम्बिनेशन के साथ हम उतरे वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस इन इंडिया। आज की जो कहानी है या आज की जो आप बीती है वो दिल्ली की है, और ये कोई एक पर्टिकुलर केस नहीं था। आज से करीब 10 साल पहले जो पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट रखते थे, ऐसे लोगों के लिए हम पैरानॉर्मल वर्कशॉप्स कराते थे। उन पैरानॉर्मल वर्कशॉप्स में उनको बताते थे कि आप किस तरीके से ये डिटेक्ट कर सकते हो कि कोई एनर्जी जो है वो अनडिफाइंड है, या फिर एनर्जी का सोर्स पकड़ के ये बता सकते हैं कि किसी जगह पर अगर आपको हॉन्टिंग लग रहा है तो क्यों लग रहा है। तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग डिस्प्ले करते थे, बहुत सारे फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स को हम लोग डिस्प्ले करते थे, और जब वर्कशॉप ख़त्म होता था तो फिर हम लोग कोई लाइव हॉन्टेड लोकेशंस में जा करके जो भी स्टूडेंट होते थे उनको डेमोंस्ट्रेशन देते थे, उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कराते। तो जब दिल्ली में वर्कशॉप हुआ तो जो नेचुरल चॉइस था वो था जमाली कमाली। जमाली कमाली एक बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग है। एकदम सीधे अगर वहाँ तक मैं आपको ले जाऊँ तो कुतुब मीनार के पीछे में एक मस्जिद है। ऐसा मानना है लोगों का कि ये जिनों का मस्जिद है, यहाँ जिन नवाज पढ़ने आते हैं। और ये जो मस्जिद है ये बंद रहता है, या फिर ऐसा है कि ASI से बंद रखता है। इस मस्जिद से सटा हुआ एक बहुत बड़ा कब्रगाह है, और उस कब्रगाह में दो भाई जो कि अय्यार थे, अय्यार का मतलब जादूगर थे, जमाली और कमाली, इन दोनों का कब्र है, इसीलिए इसको जमाली कमाली बोलते हैं। ऐसा मानना है कि जमाली कमाली का जो कब्र है और उसके आसपास के जितने भी कब्र हैं सब जागृत हैं, सब जगे हुए हैं, और ये वहाँ के लोगों को परेशान करते हैं। तो हमारा काम है कि हम जा करके ऐसी जगहों पर थोड़ा रिसर्च करें, जाने कि लोगों को अगर वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भूत है तो क्यों है। एक टोली 6 लोगों की जमाली कमाली पे उतरी। हमारे पास बहुत सारा इक्विपमेंट था, जैसे K2 मीटर, घोस्ट मीटर, मोशन सेंसर्स, और बात करीब 7 बजे की थी। हम सब जमाली कमाली के अंदर घुसे। जब आप पहला दृश्य देखिएगा उस स्थान को तो आपको लगेगा वह क्या जगह है, पिकनिक मनाने के लायक जगह, और वहाँ पे आपको ऐसे लोग भी दिखेंगे जो कि पिकनिक मनाते हैं। 6-7 बजे पुलिस आके सबको वहाँ से भगा देती है जैसे ही अंधेरा होता है। उसके लिए दो कारण बताया गया। एक ये बताया गया कि वहाँ पे चोरी या छिनताई जैसी चीज़ें हो रही थी, लूटेरे जो है वो घूमते रहते थे, चोर घूमते रहते थे। दूसरा ये बताया गया कि ये ASI के अंडर में आता है, तो ASI जो है सूर्यास्त के बाद किसी भी बिल्डिंग में आपका प्रवेश जो है वो वर्जित रखता है। ASI के थ्रू जो वहाँ उस मस्जिद के रिपेयर में लगे हुए थे, उन्होंने बताया कि जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद अजीब अजीब घटनाएं यहाँ होने लगती है, और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से हमें जल्दी से भाग जाना चाहिए। और एक आध लोगों से पूछा तो कुछ लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया, माखौल उड़ाया, और कुछ लोगों ने बताया कि आप लोगों को भी यहाँ रुकना नहीं चाहिए, यहाँ पर कुछ अनिष्ट होता है, कुछ ना कुछ लोगों के साथ होता ही रहता है, तो आप लोग यहाँ से चले जाइए। अब हमारे साथ जो डॉक्टर थे वो अठास कर रहे थे, देखो लोगों को आज भी भूत प्रेत में विश्वास है। तो वो मूलभूत रूप से ये जानने आए थे कि अगर कोई भूत प्रेत बोले तो कैसे उसको समझाया जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे उसको बताया जाए कि क्या एनर्जी डिस्टरबेंस उसके लाइफ में है जो ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि इस जगह पर भूत लगता है, तो डॉक्टर साहब को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। पहला जो हम लोगों को एक सिग्नल मिला वो बहुत जोर का इत्र का एक गंध था, मतलब ऐसा लगा जहाँ हम लोग खड़े थे कि कोई बहुत तेज इत्र लगा करके वहाँ से पार हुआ हो। तो इसको ओल्ड फैक्ट्री मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि जब भूत को अपना होने, अस्तित्व में होने का जब एक साइन देना होता तो सबसे आसान उसके लिए होता है कि उस जगह का गंध बदल दे। जैसे आप घर में बैठे हुए अचानक से बहुत दुर्गंध आने लगे और दुर्गंध का कोई सोर्स ना हो तो समझना चाहिए कि कुछ है आसपास। अचानक खुशबू घर की बदल जाए, अच्छी हो जाए, तो अच्छे भूत हैं, लेकिन वह हैं। उसी तरीके से बहुत तेज इत्र की खुशबू आई,
हम सब जो है परेशान हो गए कि भाई इत्र की खुशबू आ रही है। हाँ, स्केप्टिक हैं लेकिन फिर भी अब आप कहीं खड़े अचानक से खुशबू जोर हो जाए तो डॉक्टर साहब हंसने लगे। उन्होंने मोबाइल में सर्च किया, उन्होंने पढ़ा कि भाई ऐसा है कि जहाँ जमाली कमाली की कब्र है वहाँ आज भी लोग जो है उनकी दुआ लेने के लिए इत्र चढ़ाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हवा का झोंका होगा तो इत्र का गंध यहाँ तक आ गया। स्केप्टिसिज्म मान गए हम, चलो कोई बात नहीं है, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़े। हम लोगों का उद्देश्य था कि जमाली कमाली के कब्र को खोजें, लेकिन उसको खोजने से पहले हम एक पुराने जमाने के कुएं के पास पहुंचे। स्टेप वेल था, उसमें आप नीचे धीरे धीरे उतर सकते थे। काफी रात हो रहा था तो हमने ऐसे बोला कि स्टेप वेल में भी उतरना सही नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि आयर ग्रिड्स था हमारे पास, रात में हमें दिखाई दे रहा था कैमरे के थ्रू, तो हम आयर ग्रिड की मदद से जो हमारे पास टॉर्चेस थे उसकी मदद से नीचे उतरे, कुछ फोटो वोटो लिया। और K2 मीटर जिसमें कि अगर आत्मा आसपास हो तो वो बजने लगता है, तो वो बहुत हरकतें दिखा रहा था। इस पर डॉक्टर साहब का अपना कुछ तर्क था कि ये जियो मैग्नेटिक फोर्सेज हैं जो कि ये कर रहे हैं। लेकिन अचानक हमारे ग्रुप में एक महिला थी, उसको ऐसा लगा कि किसी ने स्पर्श किया गाल पर और वो चला गया। वो बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि कोई कीड़ा आपके आसपास आ जाए, है ना, कुछ हवा, कभी जो पुराने स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हवा का फ्लो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि कोई आपको स्पर्श करके निकल गया। बस अंदर में ये बात तो समझ में आ रही थी कि भाई दो घटनाएं हो गई हैं, एक ओल्फैक्टरी मैनिफेस्टेशन हो चुका है और दूसरा ये कि किसी को किसी ने स्पर्श किया है, तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो लोग बोलते हैं गलत नहीं है। उसके बाद जब फोटोज़ हमने लेना शुरू किया उस कुएं में, तो बहुत सारा जो है इंटेलिजेंट ऑर्ब दिखा। आत्माएं जब दिखती हैं तो हमेशा फुल बॉडी मैनिफेस्टेशन नहीं होता, वो छोटे छोटे लाइट के गोलों की तरह दिखता है, गैस के गोलों की तरह दिखते हैं, तो वो काफ़ी दिख रहे थे वीडियोज़ में। उनका बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा था, जब इंटेलिजेंट मूवमेंट में वो घूमे तो समझ जाइए कि यहाँ पर आत्माएँ हैं। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर साहब समझने को तैयार नहीं थे और भी बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे कि फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज होने लगी बार बार। हम लोगों को उस समय वो बैटरी आप चेंज कर सकते थे फ़ोन की, तो फ़ोन की बैटरी चेंज कर रहे थे, कैमरे की बैटरी चेंज कर रहे थे। हम अपने तरफ से आश्वस्त हो चुके थे कि भाई यहाँ पर भूत है। उसके बाद फिर थोड़ा आगे निकले, जो हमारे कैमरामैन थे वो बिल्कुल ही पसीने में लथपथ हो गया अचानक से। उन्होंने बोला कि लगता है मेरा बीपी या शुगर बढ़ गया, मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब ने देखा, बोला भाई कुछ नहीं है, ये डर गया और कोई बात नहीं है। उसने बोला कि मैं ऐसे कितने एडवेंचर्स में आ चुका, मुझे डर वर नहीं लगता, लेकिन कुछ तो हो रहा है। तीसरा बार ये विषय तय हुआ कि भाई आत्मा तो है यहाँ, क्योंकि अगर आत्मा नहीं होती तो ये पसीना नहीं चलता, वो शरीर से भी एनर्जी सोख रही है। इसका मतलब ये था कि ये एक बदमाश आत्मा। बात यहाँ तक तो आई गई हो गई। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली जमाली कमाली का कब्र खोज दी। तो दो अलग से कब्र था और एक टीम जो थी अचानक उधर से हल्ला होने लगा कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो हमारे पास एक थर्मल कैमरा होता है, थर्मल कैमरा, और एक होता है IR कैमरा। IR कैमरे का प्रयोग आप लोगों ने भी कोरोना काल में देखा होगा कि बिना छुए जो है आपके शरीर का टेम्परेचर लेता है। तो वो जो अंदर इमारत थी, इमारत के अंदर जब वो उस टॉर्च उस टेम्परेचर को ले रहे थे, तो वो टेम्परेचर शुरू हो रहा था 20 डिग्री तक, और जैसे ही बोला जा रहा था आप होने का प्रमाण दो, टेम्परेचर घटाओ या बढ़ाओ, वो -30 डिग्री तक उस पॉइंट पर जो है टेम्परेचर कम हो रहा था। स्केप्टिक्स, डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है उसके चलते हो, मशीन खराब हो, ठीक है, सबूत पे सबूत मिल रहा है, मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जब 6 लोग हैं तो सब शेर है ना, भूत तो दिखा रहा है कि मैं हूँ, ठीक है। अब हम पहुँचे जमाली कमाली के कब्र पर, वहाँ पर जब मशीन लगाया तो मशीन से कुछ हरकत ही ना हो, और डॉक्टर साहब ने बोला देखो यही मैं प्रूफ करना चाहता था, तुम हमें प्रूफ करने लाए थे, हमने तुम्हारे सामने प्रूफ कर दिया कि भूत नहीं होता, ये नहीं होता। उसके बाद डॉक्टर साहब लौटने लगे उस कब्र पर, बैठ गए, हमने बोला जूता खोल लो, किसी का कब्र है, नहीं नहीं, वो बैठ गए, बोला कुछ नहीं होता यहाँ पर, ना भगवान है ना
भूत है जो होता है थोड़ा डर जब किसी का खत्म होता है ना, जब मतलब जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भूत नहीं है उनको भूतों से ज्यादा डर लगता है, वो सिर्फ इंतजार कर रहे होते कि कोई उनको बताए कि भूत है। डॉक्टर साहब उन्हीं में थे, हम समझ रहे थे इस बात को, ये साइकोलॉजी है। डॉक्टर साहब सोने लगे, बैठने लगे, और जो एक महिला थी जो डरी हुई थी जिसको कोई स्पर्श करके चला गया था, उसको भी बोल रहा था देखो मैं तो यहाँ बैठा हूँ कब्र पे, कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं होता, ये फालतू बातें हैं, ये सब कोई साइंस नहीं है, स्टूडियो साइंस है। तब तक डॉक्टर साहब का जो जीवन था वो उथल पुथल हो गया। इतने ही देर में डॉक्टर साहब जो एक सेकंड पहले थे वो दूसरे सेकंड नहीं रहे। क्या हुआ? डॉक्टर साहब को किसी ने एक जोरदार थप्पड़ मारा, थप्पड़ ऐसा कि मुंह पे उनका दाग, और डॉक्टर साहब सन्न रह गए। हम समझ नहीं पाए थोड़ी देर के लिए कि क्या हुआ, हमें लगा कि डॉक्टर साहब अचानक झटके क्यों खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि उनको किसी ने बहुत जोर थप्पड़ मारा, वो कूद के नीचे उतरे और हमारे आकर के पीछे खड़े हो गए। बोला हमें साहब किसी ने थप्पड़ मारा, हमने बोला इतना भी कोई बदमाश नहीं होता कि आपको थप्पड़ मारे, नहीं मारा हमें थप्पड़। और वो बहुत डर गए, मतलब वो महिला कुछ नहीं डरी थी जितना डॉक्टर साहब डरे। डॉक्टर साहब को हम लोगों ने पैसिफाई किया कि डॉक्टर साहब चिंता मत करिए, हम देखते हैं क्या है नहीं है। और डॉक्टर साहब मानने को तैयार नहीं, वो तो मतलब वहाँ से तुरंत निकलने के लिए तैयार। फिर हम उस जगह पर जा कर के खड़े हो गए जहाँ पर हमें वो गंध आ रहा था, और जब उस जगह पर खड़े हुए डॉक्टर साहब पर फिर दो तीन अटैक हुआ, दो तीन थप्पड़ उनको और पड़े वहाँ पर। फिर हमने बोला कि जाओ वहाँ वापस माफ़ी मांगो कि भाई हमने गलत किया आपके कब्र पे पैर रख कर। तो डॉक्टर साहब की इतनी हिम्मत नहीं कि वो उस कब्र तक जाएं, उन्होंने दूर जहाँ हम बैठे थे वहीं पर उन्होंने माफ़ी मांगा, ठीक है। फिर डॉक्टर साहब को हम लोगों ने जाके गाड़ी पर बैठाया और हम लोगों ने बाकी का इन्वेस्टिगेशन किया, तो कब्र के पास कुछ मिला नहीं, जो मिलना था उस इमारत के अंदर मिला जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम था। बाद में बहुत सारे फोटोज सामने आए जिसमें कि ये पता चला कि हाँ वहाँ पर जो आत्माएं हैं वो दिखाना चाह रही थी कि हम हैं यहाँ पर, वो रूहें थी वहाँ पर, ठीक है। और हमारा एक इन्वेस्टिगेटर जो थोड़ा बहुत मज़े ले रहा था डॉक्टर साहब के साथ, उसके पीठ पर पूरा चार उंगलियों से नोचने का निशान था। ये हमें दूसरे दिन पता चला, जब आत्माएं या रूह आपको नोचेंगी तो तुरंत दर्द नहीं होता, या उसमें कभी भी दर्द ना हो ऐसा भी होता है। डॉक्टर साहब के साथ फिर ये हुआ कि डॉक्टर साहब घर गए, वहाँ भी उनको थप्पड़े पड़ती रही। बाद में भगवान के अवतार ने या भगवान को मानने वाले ने उनको ठीक किया। करीब एक सप्ताह बाद डॉक्टर साहब ठीक हुए और वो सबको बताते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो ज़रूर एक बार जा करके मंदिर में मत्था टेक लो। आज की कहानी इतनी, धन्यवाद।